वैसे ऐसी योजनाओं की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, हर व्यक्ति में कम से कम इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए, लेकिन आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। शायद इसी वजह से ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है। अब ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना क्या है, चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी ने चिरंजीवी योजना के बारे में तो सुना है। चिरंजीवी योजना में आपको 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, इसी के साथ 5 लाख रुपये एक्सीडेंट बीमा भी मिलता है। वो चिरंजीवी योजना है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, 1 साल की आपकी पॉलिसी बनती है, वो सब तो आपने सुना है। चिरंजीवी योजना के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हो, लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप रोड पर कहीं भी जा रहे हो और अगर आपको कोई भी एक्सीडेंट देखने को मिलता है और एक्सीडेंट में अगर आप किसी भी घायल व्यक्ति की जान बचाते हो, उसे टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाते हो, तो आपको 5,000 रुपये सरकार नकद देगी। इसी के साथ आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जो ये सिद्ध करेगा कि इस टाइम पर इस दिन आपने उस व्यक्ति की जान बचाई है, तो इस तरह का आपको एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इसी के साथ गवर्नमेंट 5,000 रुपये आपको नकद देगी। तो दोस्तों ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, जिसमें अगर आप किसी भी घायल व्यक्ति की, मरते हुए व्यक्ति की जान बचा देते हो, उसे टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा देते हो, तो गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपये नकद दे देगी। इसी के साथ आपसे पुलिस भी कोई सवाल जवाब नहीं करेगी, ये कानून तो पहले भी हट चुका है, और इसी के साथ आपको एक प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। तो अगर आप भविष्य में कहीं भी जाओ और अगर ऐसी दुर्घटना देखो तो प्लीज यार हिचकिचाना मत, क्योंकि आपके एक कदम से कोई परिवार उजड़ने से बच सकता है। भले ही 5,000 रुपये के लिए मत करना, लेकिन कम से कम इंसानियत के लिए जरूर करना। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना क्या है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइए, क्या आपने कभी भी ऐसे हालात में किसी की जान बचाई है, किसी की मदद की है, या फिर सिर्फ भीड़ में शामिल होकर वो नज़ारा देखा है? क्योंकि हर व्यक्ति ने कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर देखा होगा। तो आप अपने बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।